हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे द मैन ही किल्ड, रिटन बाय थॉमस हार्डी। सो पोएट कह रहे हैं, हैड ही एंड आई बट मेट बाय सम ओल्ड एंशिएंट इन, यानी पोयम के जो स्पीकर हैं वो बोल रहे हैं कि अगर वो और मैं अगर मिले होते किसी पुराने पब में या फिर रेस्टोरेंट में, वी शुड हैव सेट अस डाउन टू वेट राइट मैने अ निपर किन, तो हम क्या करते, एक साथ बैठते और साथ मिलकर बहुत ढेर सारी बियर्स पीते, मगर हम दोनों ना एक बार में नहीं मिले, मतलब एक पब में नहीं मिले, हम दोनों मिले थे तो एक जंग में मिले थे। बट रेंज एज इन्फेंट्री एंड स्टेयरिंग फेस टू फेस, तो हम कहाँ मिले, तो हम लोग ना एक जंग के मैदान में मिले, और हम दोनों जब मिले ना तो हम दोनों एक दूसरे के फेस को देखे जा रहे थे। आई शॉट एट हिम एज ही एट मी, यानी मैंने उस पर निशाना लगाया, मैंने उसको गोली मारी ठीक उसी तरह जिस तरह उसने मेरे ऊपर गोली चलाई। एंड किल्ड हिम इन हिज प्लेस, लेकिन क्या हुआ, वो जो दूसरा इंसान था उसका जो निशाना था ना वो चूक गया, और वो निशाना ना स्पीकर को नहीं लगा। स्पीकर कौन, जो इस पोयम के स्पीकर हैं। अच्छा, जो स्पीकर है ना उनकी जो गोली थी वो उस इंसान के जाकर लग गई। आई शॉट हिम डेड बिकॉज ही वॉज माई फो, मैंने उसे गोली मार दी। क्यों मार दी, क्योंकि वो ना मेरा दुश्मन था, मेरा एनिमी था, इसलिए मैंने उसे गोली मार दी। जस्ट सो माई फो ऑफकोर्स ही वॉज, यानी बस यही रीजन था कि वो ना मेरा दुश्मन था, और वो दूसरी सेना का था इसलिए वो ना मेरा दुश्मन था। दैट्स क्लियर इनफ ऑल दो, तो ये बातें ना सबको समझ में आ रही हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने ना उसको गोली मार दी। ही थॉट ही हैड लिस्ट Perhaps offhand, like just as I. तो यहाँ पे जो स्पीकर है ना वो बोल रहा है कि उसने ज़रूर ही डिसाइड किया होगा आर्मी में जाने का, बिल्कुल मेरी तरह बिना सोचे समझे उसने सोचा होगा कि अरे हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो ना आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। Was out of work, had sold his traps. No other reason why. यानी ये जो आदमी होगा तो इसने क्या किया होगा, इसने अपनी सारी चीज़ें जो भी इसके पास थी इसने ना वो सारी चीज़ों को बेच दिया होगा। पैसों की कमी हो गई होगी जैसे मेरे साथ हुआ था, और कोई रीज़न समझ में नहीं आया होगा इसलिए उसने आर्मी को ज्वाइन कर लिया होगा। तो मैं और वो जो दूसरा पर्सन जिसकी डेथ हो गई है, हम दोनों ना बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं, हम दोनों के ना एक ही रीज़न होंगे आर्मी ज्वाइन करने के लिए। तो मैं ना कहीं उस इंसान से कनेक्टेड फील कर रहा हूँ। आगे पोएट कहते हैं, यस क्विंट एंड क्यूरियस वॉर इज, यानी हाँ ये जो जंग थी, ये जो वॉर है, ये बहुत ही अजीब है, हमें ना सोचने में मजबूर कर देती है, इसकी जो क्वालिटीज़ है वो समझा नहीं जा सकता। You shoot a fellow down, you treat if met with any bars. यानी ये क्यों ऐसा है, क्योंकि तुमने एक ऐसे आदमी को गोली मार दी और उसकी जान ले ली जिससे अगर तुम किसी बार में मिले होते, किसी पब में मिले होते, तो उसके साथ बैठकर तुमने शराब पी होती और साथ ही साथ ट्रीट दिया होता। तो ऐसे इंसान को तुम्हें क्या करना पड़ा, तुम्हें ना उस जंग के मैदान में उसको गोली मारनी पड़ी। और हेल्प टू हैव अ क्राउन, और साथ ही क्या करते, हम कुछ पैसों से उसकी मदद कर सकते, अगर पता होता कि उसको ना पैसों की कमी है तो हम ना उसको कुछ पैसे भी दे देते, पर क्योंकि हम लोग ना जंग के मैदान में मिले थे तो भले ही उसकी कोई भी गलती हो ना हो, भले ही वो बुरा इंसान हो ना हो, मुझे उसको ना गोली मारनी पड़ी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये पोएम फिनिश होती है।
सो आई होप कि आपको ये पोयम समझ में आई होगी। अगर आपको ये पोयम अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।